तो मैं अभी कपड़ा धो के आ गई बाथरूम से, देख सकते हैं इधर टांगा आ गया। उधर बाबू का सूज वूज भी धो दी और बाबू भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। हाँ अब मैं बाबू को खाना दूंगी। कपड़ा धोना ज़्यादा जरूरी था क्योंकि यहाँ पे पानी का भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और फिर कपड़ा भी हुआ था, तो हम जैसे बाबू को खाना वाना खिलाएंगे ना तो फिर क्या होगा ना कि मेरा मूड चेंज मतलब हो जाएगा कपड़ा नहीं धोने का। तो हम सोचे भीगे हुए थे तो धो लेते हैं, फिर भीगने का मन नहीं करेगा क्योंकि कपड़ा धोने के टाइम पे तो मतलब कितना भी अच्छे से धो ना तो भीग जाता ही है कपड़ा वपड़ा धोते टाइम पे। ये है नींबू और मैं पीऊँगी नींबू पानी क्योंकि मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कल क्या हुआ था ना कि मैं सुबह सुबह दूध वाली चाय पी ली और दूध वाली चाय आजकल मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, तो वही हो गया मेरे साथ गड़बड़। तो मैं दूध वाला चाय पीना तो मैं खुद के लिए नहीं बनाई थी, क्या हुआ कि मकान मालिक को घर में कुछ प्रॉब्लम जो है हो गई थी तो उनको चाय बना कर उन लोग को देना था, तो मैं दो बार दूध वाली चाय बनाती थी तो उसके चक्कर से क्या हुआ ना कि मैं भी दो बार पी ली और फिर मेरा तो हो गया भला। मैं जब भी अभी दूध वाली चाय पी लेती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मुझे गैस बन जाती है, समझ में नहीं आता, पेट एकदम फूल जाएगा, गला वाला सब जलने लगता है, लगता कितना सारा खाना खा ली हूँ। ये यहाँ के पानी में ही कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैं घर पे गई थी वहाँ पे तो कितना बार मैं चाय पीती थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो ये तो अपने पानी बना ली नींबू वाला पानी बना लो नहीं तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुझे पानी ही पी लेना चाहिए। इसमें डाली थोड़ा काला नमक और यहाँ का पानी थोड़ा सा अजीब है, समझ नहीं पाते पानी में क्या है। यहाँ के पानी में थोड़ा आयरन ज़्यादा है तो होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा है। अगर आप पानी में बाल्टी का पानी भर के रख दोगे ना सुबह में क्या होता है उसमें एक ना परत जम जाती है मलाई टाइप का, अरे नहीं क्या होता है इतना ज़्यादा आयरन है। तो सब कोई बोलता है कि यहाँ के पानी में आयरन ज़्यादा है। इधर देख सकते हैं मसाला रेडी करके रखी हूँ, मलाई में पिचकी पत्ता उसको बनाना है। सबसे पहले बाबू को खाना खिलाऊंगी फिर बाकी के काम निपटाऊंगी, पहले खाना खिलाऊंगी फिर पिचकी पत्ता बनाऊंगी। तो आज हमने खाना में क्या बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। आज हम बनाए थे दाल चावल और भिंडी की सब्जी, रोटी, आलू का पराठा और चटनी, बस इतना ही बना था। आलू का पराठा बाबू लंच में ले गया, मैं नाश्ता की बस और कोई नहीं। और बोदी का सब्जी था तो हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं तो वो लेके गए हैं। और भिंडी का सब्जी है, बोदी तो मैं सुबह में थोड़ा आलू के पराठा से निपटा दी, मैं सोची कितना सारा सब्जी इतना इतना रखता और तो भिंडी का सब्जी है और क्या है बस कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी खाएगा कहाँ से। और ये हमारी रही कढ़ी जो हमने कल बनाई थी। कढ़ी तो ऐसे एक दिन बनाओ तीन चार दिन आराम से खाओ, इस प्लेट में जितना जगह है ना बहुत कम है तो इसमें हम डालेंगे ऊपर से, फिर कम होगा तो ले लेंगे। और मुझे भी बहुत मन था कढ़ी चावल खाएंगे लेकिन क्या ही बोले, पेट अजीब सा लग रहा है, गला तक एकदम लग रहा है, कितना मतलब खाना वाना खा के रखे हैं, अभी सोच रहे हैं खा लेंगे ना तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। तो बाबू पानी बाद में दूंगी क्योंकि पानी देख लेगा ना तो खाना चल के पानी पे ही लग जाएगा। इनकी भिंडी की सब्जी भिंडी का भुजा वाला बनाई थी तो ज़्यादा नहीं बचा इतने टाइम, थोड़ा और है, हस्बैंड जाएंगे तो उनको दूंगी बस। ये रहा आज का हमारा खाना जो खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं है, और थोड़ी कड़ी इस पर डाल दी थोड़ी इधर अभी थोड़ी इधर, तो चलिए हम बाबू को खिलाते हैं। सही से बैठो सही से बैठो, मैं आ गई, भूख लगी है ना बाबू को, भूख लगी है। आपको कढ़ी तो बहुत अच्छा लगता है चुनू, दाल भी थी पर हम दाल तुमको नहीं दिए हैं, मुझे कढ़ी खिला देते हैं, कढ़ी तो तुम्हारा फेवरेट है ना।
क्या हुआ, कैसा लगा? तो क्या? अच्छा लगा ना? अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं सर। क्योंकि वो कौड़ी खाना अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सभी को मुँह में पानी आ रहा हो ना, तो अपने घर में बना के खा सकते हैं। और बाबू का चल रहा है टीवी में कार्टून। इधर कौन सा कार्टून है वो? देखो हमारा हमारा।